know my shit. सो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करने वाले हैं कुछ इसी टाइप का स्पेशल हैप्पी बर्थडे वाला स्टेटस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सर वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। एंड गाइस अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ओके तो गाइस पहले आपको करनी है यहाँ पर इस लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर इस लाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपली करके प्लस पे टैप करके यहाँ पर इस आपको फ्रेम्स वगैरह सेलेक्ट कर लेना है जो कि आप फ्रेम पर स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो। अगर आप फिल स्क्रीन पर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसे सिस्टम चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पर 9:16 का रेशियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेशियो गाइस हमारे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं करने के यहाँ पर प्लस पे टैप करना है। एंड गाइस हमें पहले करके यहाँ पर ऑडियो पर जाना है। और गाइस पहले मैं यहाँ से ऑडियो को ऐड कर लेता हूँ। ओके गाइस यहाँ पर मैंने ऑडियो को ऐड कर लिया है। और ऑडियो को ऐड करने के बाद गाइस हमें यहाँ पर कन के ऑडियो पर गाइस बीट मार्क ऐड कर देना है। सो गाइस मैं यहाँ पर सिंपली से क्या करूँगा, ऑडियो के हिसाब से जहाँ जहाँ पर बीट मार्क है वहाँ वहाँ पर गाइस मैं कुछ इस टाइप से टैप कर जाऊँगा प्लस के ऑप्शन पर। और गाइस यहाँ पर जो हमारा बीट मार्क लगते जाएगा। ओके फाइनली गाइस हमारे यहाँ पर ऑडियो का बीट मार्क ऐड हो चुका है। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर सारे बीट मार्क ऐड हो चुके हैं। अब हमें करके यहाँ पर गाइस हमें एक फोटो को ऐड करना है। ओके गाइस मैंने यहाँ पर बीट मार्क को ऐड कर लिया है और फोटोज को ऐड कर लिया है। और फोटो ऐड करने के बाद हमें करने के फर्स्ट बीट मार्क तक जाना है। एंड यहाँ तक कैसे हम इसका जो ड्यूरेशन हुआ हमें बढ़ा लेना है। फिर कैसे हमें करने के फोटो का जो साइज कैसे हम यहाँ पर फिल स्क्रीन कर लेते हैं। सो यहाँ पर कैसे हमारा जो फोटो का साइज हो गया फिल स्क्रीन हो चुका है। अब हमें करने के यहाँ पर थोड़ा सा डार्कनेस लाने के लिए हमें फोटो पर टैप करना है, ब्लेंडिंग पे जाना है। एंड कैसे हमें करने के ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन कर देना है कुछ इतना। तो हमने कैसे यहाँ पर ओपेसिटी कर दिया है डाउन। और ओपेसिटी को डाउन करने के बाद हमें करने के यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन पर जाना है। और यहाँ पर इस आप जिस भी मंथ में इस आपका जो बर्थडे आता हो सो इस आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो फिलहाल मैं इस यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के सर जून डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इस हम एक फॉन्ट यूज कर रहे हैं जो इस अमेरिकन फॉन्ट के नाम से यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा या फिर आप जो गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप साइज वगैरह एंड कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेना। तो सारी चीज़ें कैसे हमारे यहाँ पर सेट हो चुकी हैं। उसके बाद हमें करने के यहाँ पर इसे बढ़िया से मेंटेन कर लेना है परफेक्ट लोकेशन पर। और इतना कुछ करने के बाद हमें करने के सर फर्स्ट बीट मार्क पे कहीं से हमें यहाँ पर चले जाना है। सो फर्स्ट बीट मार्क पे जाने के बाद हमें करने के यहाँ पर कहीं सर परफेक्टली इस फर्स्ट बीट मार्क पर ही आना चाहिए, आगे पीछे कहीं सर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना सब कैसे यहाँ पर बीट मार्क मिस हो जाता तो कहीं सर यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब जो प्रॉब्लम थे वो देखने को मिल सकती हैं आपको, मतलब स्टेटस अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, तो वही सर जहाँ तक बीट मार्क है वहाँ तक मैंने इसका ड्यूरेशन बढ़ा लिया है। फिर मैं क्या करूँगा इसका जो लेयर एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। सो मैंने एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लिया है और डुप्लीकेट लेयर को इसमें यहाँ पर डाउन कर लेता हूँ। एंड जो सर जून लिखा हुआ उसको मैं कट करता हूँ। और कट करने के बाद इसे यहाँ पर सिंपली से मैं इसे मतलब सेंटर में ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद हमें करने के जून की जस्ट डाउन ही गई समय यहाँ पर रख लेना है इसको इतना कुछ। ओके, एंड उसके बाद हमें करने के यहाँ पर जो हमने अभी डुप्लीकेट लेयर लिया था उसको कैसे हम फिर से एक बार डुप्लीकेट लेयर लेंगे। तो कैसे मैं एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। अब कैसे हमने एक और डुप्लीकेट लेयर क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमें इसे डाउन करना है। डाउन करने के बाद कैसे जैसे कि आपके यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो, सुबह इस फिलहाल लिख लेता हूँ एडिटर बॉय। आप गए सर जो भी नाम अपने फ्रेंड्स का जो भी नाम गए आप यहाँ पर लिख सकते हो, काफ़ी ऑसम एंड कूल लगता है। सो इतना कुछ करने के बाद गाइस थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो साइज मैं यहाँ पर बढ़ा लेता हूँ काउंटिंग की। ठीक है, जो गाइस यहाँ पर नंबर है। सो मैंने गाइस सर यहाँ पर साइज वगैरह बढ़ा लिया है और यहाँ पर सभी का जो साइज है वो परफेक्ट ड्यूरेशन पर ऐड है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक इफेक्ट को ऐड करना है।
तो इस पर गाइस हम टैप करेंगे एंड गाइस यहाँ पर जाते हैं हम इफेक्ट पर एंड एड इफेक्ट पर एंड उसके बाद हमें करना क्या स्क्रॉल करके टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। आफ्टर गाइस हमें यहाँ पर जो काउंट डाउन का एक ऑप्शन मिल रहा है जहाँ पर 5674 यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है तो उस पर टैप कर देना, स्टैंडर्ड पर टैप करना है। और गाइस हमें करना है यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट वाली लाइन पर गाइस हमें यहाँ पर बढ़ा लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन गाइस यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, तो वो गाइस आपको उतना ही बढ़ाना जितना गाइस आप डेट यहाँ पर रखना चाहते हो, लाइक जितना भी गाइस आप रख सकते हो। सो एग्जांपल गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो 21 22 गाइस यहाँ पर रख सकते हो। सो फिलहाल मैं गाइस यहाँ पर 21 या 22 रख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सर मेरा 22 रख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद आपको करने का गाइस यहाँ पर देख सकते हो काउंटिंग चल रही है बढ़िया से एंड काफ़ी ऑसम लग रहा है, बट यहाँ पर भी और भी चीज़ें ऐड करना है हमको। तो अब गाइस हम फिर से एड इफेक्ट पर चले जाते हैं और यहाँ पर गाइस हम जाते हैं नीचे एंड यहाँ पर हमें करने के यहाँ पर गाइस लाइट वाले ऑप्शन पर चले जाते हैं एंड नीचे जाना हमें स्क्रॉल करके एंड गाइस हमें यहाँ पर रेज का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो गाइस हम उस पर टैप कर देना इस वाले इफेक्ट पर एंड हमें स्टैंडर्ड पर टैप करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पर टैप करने के बाद हमें करने के सर फर्स्ट वाले ऑप्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, सेकंड वाले ऑप्शन को थोड़ा बहुत छेड़ना है बट बहुत ही केयरफुल है, ठीक है। तो हमें क्या करने के सर सेकंड वाले ऑप्शन पर हम थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा के देख लेते हैं कितना कुछ रखना है हमें, तो थोड़ा सा इसे वहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं भाई कितना हमें गाइस यहाँ पर जो हमें इफेक्ट रखना है हमारे टेक्स्ट पर। तो 161 एंड 160 या 150 तक गाइस हमें पर देख लेते हैं जो बेटर रहे। सो 150 इज़ बेटर लग रहा है मुझे, तो अब हम सेकंड वाले पे देख लेते हैं एंड सेकंड पे गाइस हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड देखते हैं कितना क्या सही लगेगा हमें। 33 35 या फिर यहाँ पर ओके। सो उसके बाद हमें करने के गाइस यहाँ पर हमें जाना है कलर वाले ऑप्शन पर एंड गाइस हमें कलर सेलेक्ट कर लेना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद हमें करने के ब्लेंड करना है इसको ओके। थोड़ा सा गाइस आपको प्रॉब्लम जाएगा, आपको सिंपली इसको इस टाइप से ब्लेंड कर लेना है एंड आप देख सकते हो काफ़ी ऑसम लग रहा है। तो गाइस हमारे यहाँ पर कलर भी ब्लेंड हो चुका है एंड गाइस यहाँ पर जो टेक्स्ट है उस पर गाइस हमारा कलर भी आ चुका है, आई मीन ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ से गाइस अब हमें जो है अपने हिसाब से जो सेटिंग है हमने यहाँ पर किया हुआ गाइस आप यहाँ से ध्यान से देख लेना एंड अगर गाइस आप यहाँ पर बढ़ाना चाहते हो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आप यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो एंड अगर आपको फिर भी कम लग रहा हो गाइस आपको करने के जिस टेक्स्ट पे गाइस आपने यहाँ पर लिखा हुआ है उसका साइज़ आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो। तो यार थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा क्यों इसका जो साइज़ है जो काउंटिंग हो रहा है नंबर उसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा लेता हूँ। तो साइज़ के हिसाब से कुछ इतना रख लेता हूँ, ठीक है, समथिंग समथिंग कुछ इतना, ताकि थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए देखने में और थोड़ा कलर भी थोड़ा सा अच्छे से फैल के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये काफ़ी सही लग रहा है मुझे। तो गाइस सर इतना कुछ गाइस हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और गाइस मैं यहाँ पर जो भी फर्स्ट बीट मार्क है वहाँ पर गाइस सर मैं यहाँ पर फर्स्ट बीट मार्क पे ऐड करना चाहता हूँ न्यू इफेक्ट आई मीन न्यू फोटो, बट वहाँ पर गाइस सर परफेक्टली सेट नहीं हो रहा। और गाइस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर गाइस सर बीट मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर गाइस आप बीट मार्क से भी थोड़ा सा हट जाते हो तो गाइस आपका इफेक्ट बहुत ही बेकार लगेगा, इसलिए गाइस आप बीट मार्क जब लगाओगे तो परफेक्टली ही लगाना है, ठीक है। अब हमें करके यहाँ पर गाइस कुछ फोटोज़ हैं उन फोटोज़ गाइस हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो फोटो ऐड करने के बाद हमें सेकंड बीट मार्क पर से कट मार्क कर देना है, ठीक है, यहाँ से एस्टॉप आउट कट कर देना है। सो इस तरह से आपको जो ए टू जेड सारी फोटोज होगी आपका यहाँ पर इसी तरह से ऐड कर लेना है। सॉरी सर यहाँ पर हमने थंबनेल को ऐड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर से आ जाते हैं बैक एंड गाइस हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सो बाई चांस की सर यहाँ पर थंबनेल ऐड कर लिया था मैंने, सो क्योंकि यार मैंने जो ना वीडियोस क्रिएट करने से पहले थंबनेल क्रिएट कर लिया था, सो पहले मैंने स्टेटस क्रिएट किया फिर मैंने सोचा कि यार थंबनेल क्रिएट कर लेता हूँ उसके बाद वीडियो क्रिएट करूँगा, तो मैंने पहले थंबनेल क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें दो तीन फोटोज़ ऐड कर लिया, मैं सोच रहा हूँ एक तो फोटो और ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको परफेक्टली बीट मार्क सेट करके दिखा सकूँ एंड आपको समझ में आ सके। वैसे तो सर मुझे पता आपका भी समझदार हो बट फिर भी इसमें सोच रहा हूँ यार यहाँ पे एक दो फोटोज़ और ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर गाइस सर बीट मार्क परफेक्ट सेट करना थोड़ा सा हार्ड रहता है, सो गाइस सर यहाँ पर जो बीट मार्क्स इधर से उधर हो गया ना तो स्टेटस उतना अच्छा नहीं बन पाई, रिजल्ट जो आता है वो बेटर नहीं आ पाता, इसलिए हमें यहाँ पर बीट मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से प्लस पे करते हैं एंड इसको हम यहाँ पर हटा लेते हैं ओके। सो ये भी गाइस हमारा हट चुका है एंड इसको हम गाइस जूम कर लेते हैं फटाफट से। तो सारी फोटो हम गाइस आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन कर लेना है
एंड अभी दूसरा और भी सारी चीज़ें ऐड करना है, लाइक आपने देखा था स्टार्टिंग में जो हमें इन आउट जूम इन जूम आउट हो रहा था वो इफेक्ट ऐड करना, एंड अभी फोटोज पर सेक जो इफेक्ट होता है उससे एक इफेक्ट भी हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ें सर मैं स्टेप बाई स्टेप क्रिएट करूँ एंड पूरा नॉर्मली तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, मतलब स्पीड मोड में नहीं हूँ, इसलिए सर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम लगे बट यहाँ पर आप कंप्लीटली सीख जाओ, ठीक है, क्योंकि यार अभी जो ट्रेंड कर रहे वाला जो है काउंटिंग वाला चुके सर नंबर काउंटिंग वाला वो आपका काफ़ी सारा ट्रेंड कर रहे हैं। तो फोटोज की हमने यहाँ पर लगभग सारी ऐड कर ली है एंड हमने सारी ऐड नहीं किया, कुछ फोटोज ऐड किया है। तो फिलहाल मैं इस समय यहाँ पर करने का जूम इन जूम आउट का जो इफेक्ट था फोटोज एंड एडिटर बॉय मतलब जो नाम है उस पर, तो हमें करने का इफेक्ट पर जाना एंड इस समय यहाँ पर एक इफेक्ट अप्लाई करना है। सो यहाँ पर इस मूव एंड ट्रांजिशन पर चले जाते हैं एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस कर दो, इस आपको इस पे करना है प्लस साइज पे एंड इस सो गई सर स्टैंडर्ड की जगह कुछ और हो चुका है यहाँ से मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ। सॉरी यार फिर से गई वो स्टैंडर्ड पे नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको फिर से कट कर दूँ एंड आफ्टर फिर से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो जो कट करता हूँ ऐड इफेक्ट पर जाता हूँ एंड इस फिर से मैं चले जाता हूँ मूव एंड ट्रांजेक्शन पर एंड यहाँ पर जाने के बाद हमें करने के प्लस वाले ऑप्शन पर जो ऑप्शन आ रहा है उस पर चले जाना एंड हमें स्टैंडर्ड पर टैप करना है और भाई वी आर फाइनली। तो सर यहाँ पर आ चुका है स्टैंडर्ड का ऑप्शन एंड अब हमें करने के कुछ भी नहीं करना है सर, ऊपर वाले लाइन को ओनली बढ़ा देना चाहिए, आप फोटोज़ को आगे करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ओनली फर्स्ट में जो लाइन है उसे आपको बढ़ा देना है, ठीक है। तो इस मैं पूरा कम्प्लीटली बढ़ा देता हूँ, ठीक है, एंड कम्प्लीटली बढ़ाने के बाद आप इसका ऑटोमेटिक यहाँ पर इफेक्ट ऐड हो चुका है। अब हमें करने के जो हमने यहाँ पर इफेक्ट को ऐड किया हुआ है उसी इफेक्ट को हमें यहाँ पर कॉपी करना है। सो इफेक्ट पर जाते हैं, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे एंड कॉपी कर लेते हैं। सो कॉपी करने के बाद इसमें यहाँ पर आते हैं बैक और जो फोटो हमने यहाँ पर रखा हुआ बैकग्राउंड पे उस पर ही हम इस इफेक्ट को पेस्ट कर देते हैं और देख सकते हो दोनों पे जूम इन जूम आउट इफेक्ट लग चुका है। तो इतना कुछ तो कैसे हमारा हो चुका है एंड अब हमें कुछ सिंपल सा काम और करना है, यहाँ पर सेक इफेक्ट वगैरह ऐड करना है। तो उसके लिए हमें करने का सर यहाँ से अब हमें आना पड़ेगा बैक। तो पहले कि इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ जो कि सर 21 जून का इस यहाँ पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। सो इस आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो भाई कि आपका बर्थडे कब है एंड उस हिसाब से आपको अगर PNG चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे एंड ए टू जेड सारे मेटेरियल्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। सो आप वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, एंड आप इसे टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अपडेटेड रहता हूँ मैं। तो यहाँ पर हमें सिंपल से कट करना है एंड आपका बर्थडे कब है कमेंट करके जरूर बताना एंड एक चीज़ और बताना भाई आपको वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और हाँ बहुत से लोग सर बोलते भाई हमारा चैनल प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, तो भाई आप इंस्टाग्राम पर DM करो आपका चैनल 110% प्रमोट होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें कहना क्या आप इसमें PNG को ऐड कर लिया बातों ही बातों में और इसको इसमें कर लेता हूँ डाउन साइड। तो भाई सॉरी यार, तो भाई ये हो चुका है डाउन साइड और डाउन साइड होने के बाद हमें कहना कि यहाँ पर आ जाना है और यहाँ तक इसका जो ड्यूरेशन है मैं आप बढ़ा लेते हैं, ओके। तो भाई हमने यहाँ पर यहाँ तक जो इसका ड्यूरेशन हमने बढ़ा लिया है तो हैप्पी बर्थडे वाले यहाँ पर हम PNG ऐड कर लेते हैं। सो सब देखते हो टेलीग्राम पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हैं तो अब ज्वाइन जरूर कर लेना एंड इसको वैसे हम यहाँ पर डाउन कर लेते हैं एंड कहीं से हम जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। और कहीं आप एक बात ध्यान रखना कि सर टेलीग्राम पर जो मैं मटेरियल यहाँ पर यूज करूँ सारी फ्री अवेलेबल है, जाओ डाउनलोड करो ऐड करो, ठीक है, और ये जिसका स्टोरेज है उसको बनाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो भाई हमने यहाँ पर जो इसे ऐड कर लिया और ये काफ़ी ऑसम एंड कूल लगता है भाई देखने में, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुका है हमारा और इतना कुछ होने के बाद अब हमें करने के यहाँ पर सर हमारा स्ट्रेस पूरा कम्प्लीटली हो चुका है रेडी, अब हमें करने सेक इफेक्ट वगैरह ऐड करना है। तो मैं जाता हूँ सेक इफेक्ट के ऑप्शन पर एंड इस इफेक्ट को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड फिर मैं जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद हमें उसी प्रोजेक्ट पर चले जाना, न्यू प्रोजेक्ट पर जाम के समय स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं और भाई यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल से करना क्या है यहाँ पर आना एंड इफेक्ट पे जाना एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है और अब हमें इस पर जाना एंड थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो इसी टाइप से आपको जो सारी फोटोज पर एंड जो PNG मैंने यहाँ पर ऐड किया फर्स्ट वाले उस पर आपको पेस्ट कर देना, बट जो आपको ऊपर PNG दिख रही है उस पर पेस्ट नहीं करना है, ऑनली यहाँ पर सर फोटोज पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से आपको सारी आपको यहाँ पर इफेक्ट को पेस्ट कर देना है
एंड गाइस सर मैं आपको बता दूंगा आप ऐसे इंटरेस्टिंग और भी अमेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो भाई जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तुम्हारे भाई की तो तुम्हें गाइस सर मिल जाएगी, ठीक है, वो डक्स उसका नोटिफिकेशन आएंगे ना, आप फर्स्ट पर देख भी सकते हो। एंड गाइस सर अपने भाई का न्यू चैनल भी है द एडिटर बॉय का, जो न्यू चैनल है गाइस सर वो अरविंद टिप्स एंड फन, सो आप वहाँ पर जा सकते हो। वहाँ पर गाइस यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो होगा उससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन गाइस मैं देते रहता हूँ। एंड गाइस रिसेंटली मैंने वहाँ पर न्यू गाइस सर वीडियो अपलोड किया हो जाकर के चेक जरूर करना, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे कैसे मैं कर लेता हूँ स्क्रीन और यहाँ पर हमारी ऐड हो चुकी है फोटोज से एक इफेक्ट एंड स्टेटस के सर ऑसम सा रिजल्ट निकल के आ गया है और काउंटिंग गाइस कितनी प्यारी लग रही है। सो होप गई सर आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, वीडियो को लाइक करना एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ यार एंड आप वीडियो को लाइक जरूर करना। और गाइस इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, जो वर्ड से डाउनलोड करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी बर्थडे।